अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज बना रही हूँ बहुत सारी सब्जियों से हेल्थी सा नाश्ता बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो सब्जियाँ ली हैं उनमें हैं जुकीनी, अनियंस हैं, मशरूम्स हैं और साथ में ग्रीन चिलीज हैं। और इसके बाद मैं वो जो आपको पहले दिखाई है सलामी होममेड, वो ये वाली वो है, वो मैंने बारीक पीसेस में काट ली थी। तो इसके अलावा मैं इसमें कैबेज डालूंगी और रेड चिलीज भी डालूंगी फ्रेश वाली। तो ये सारी चीज़ें थी, इनको मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल डाल के तो हल्का हल्का फ्राई करना है, यानी थोड़ा कच्चा पक्का ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना है। तो ये मैं अभी कर रही हूँ, थोड़ी देर में ये हो जाएंगी फ्राई। और बहुत ही कम तेल मैंने यूज़ किया है क्योंकि मुझे आज हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था अपने हस्बैंड के लिए। तो अब मैं इसमें कैबेज डाल रही हूँ, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ही करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। थोड़ा सा हिला जुला के इसको हम फ्राई कर लेंगे बहुत ही कम ऑयल में। तो ये तकरीबन अब फ्राई हो चुकी है मेरी सारी सब्जियाँ। तो इसमें मैं थोड़ी सी रेड चिलीज डाल रही हूँ ताकि थोड़ा खूबसूरत भी लगे। ग्रीन तो मैंने पहले डाली थी, आप ऊपर से मैं रेड डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था कलर, तो मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें रेड चिलीज भी डाल दी है। इन सबको थोड़ा बहुत हिलाने जुलाने के बाद फिर हम इसमें जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। तो उनमें मैंने ली है चीज़ें जो ली हैं वो सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, ओरिगानो है और गरम मसाला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी रेड चिलीज हैं। ये सारी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे ताकि सारी चीज़ों में ये नमक और मिर्च और वो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो सारी इनमें चली जाए उनका अरोमा। तो इसके बाद फिर हम इसमें होल कर देंगे थोड़े थोड़े, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इस तरह से। तो फिर मैं इसमें अंडे डालूंगी, 3 अदद अंडे डालूंगी। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हर अंडे को अलहदा से तोड़ूं और अलहदा अलहदा से मैं डालूं, इकट्ठे नहीं डालती ताकि कोई भी अंडा अगर खुदा ना हास्ता ख़राब निकल आए तो फिर मेरा सारा खाना ख़राब ना हो जाए ना। तो इस वजह से आप भी कोशिश करें, आप भी ऐसे ही करते होंगे आई थिंक, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अब मैंने इसमें अंडे डाल दिए हैं और इसके ऊपर सॉल्ट एंड पेपर डालूंगी अंडों के ऊपर सिर्फ, क्योंकि दूसरी चीज़ों में तो हम हर्ब्स वगैरह सारा कुछ डाल चुके हैं। ये डालने के बाद फिर हम इसको लिड्स लगा के थोड़ी देर के लिए ढांप देंगे, ढक देंगे और फिर इसके बाद थोड़ी देर में हम इसको 3-4 मिनट तक पकने देंगे जब तक अंडे जो हैं वो सही तरह से पक नहीं जाते। तो अंडे हमारे अब सही तरह से पक गए हैं और नज़र भी आ रहा है, तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं पीसेस में करके थोड़ा थोड़ा। हम 3 लोग हैं तो 3 इसके पोर्शन मैं बना लेती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ इस्तेमाल करूँ तो, और कम से कम ऑयल, और अगर इस्तेमाल भी करना है तो ऑलिव ऑयल। वो मेरी ये डेली रूटीन में इस तरह के ब्रेकफास्ट मैं बनाती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, इस वजह से मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा नाश्ता हमारा, हेल्थी नाश्ता।
मैं सारा इसमें डिश आउट करके रख लूँगी साइड पे, अच्छे तरीके से फैला लिए मैंने सब्जियाँ वगैरह। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नाश्ता हमारा। इसके साथ मैं चाय बनाऊँगी और साथ में मैंने एक एप्पल का मिक्सचर सा बनाया है, एप्पल योगर्ट और डेट्स यानी खजूरें, मैंने चीनी इस्तेमाल नहीं की, उनको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था, तो वो इसके साथ हम लोग खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमारे आज के नाश्ते में मैंने बनाई थी। मैं वीडियो बनाने की कोई मेरी थी नहीं आज विश, ये वाला मैंने बनाया था मिक्सचर, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था एप्पल को योगर्ट में और साथ में मैंने डेट्स डाल दी थी चीनी के तौर पे। तो ये बहुत ही हेल्दी है ब्रेकफास्ट। और साथ में मैंने ये जो बहुत ब्राउन जो ब्रेड होती है अच्छी वाली, वो मैंने साथ में रखी है ताकि आज हम हेल्दी नाश्ता करें और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हेल्दी ना हो। तो ये सारा था हमारा आज का नाश्ता, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसमें सब्जियाँ भी हैं, अंडे भी हैं, गोश्त भी है जो कि मैंने खुद बनाया होता है, ये सलामी जो है होममेड है और ये मैं बना के रख लेती हूँ और फिर इसको यूज़ करती रहती हूँ सालन में भी और ब्रेकफास्ट में भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ब्रेकफास्ट है आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो अपने प्यारों को बना के खिलाएं, वो भी खुश होंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी या ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।